हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर टू यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं. 2 मिनट वेट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं. जल्दी से क्लास ज्वाइन करो. गुड इवनिंग अभिषेक. चलो, हमारा रिमोट सेंसिंग का है, थोड़ा सा रह गया, इसको कवर कर लेते हैं. और साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी कर लेंगे. बाकी आज आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी ले लेती हूँ. और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, टाइफाइड हो गया मेरे को, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ. पर फिर भी मेरे को जैसे ही फील होता है कि मेरी तबीयत ठीक है तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ताकि आप क्लोज ना हो. और 1 महीना बच गया है और अभी आपकी बस इसके बाद एक यूनिट ही रह जाएगी प्रोबेबली. हम जो है कल से 9 यूनिट एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, आज हम कर रहे हैं सेंसर के टाइप. आप सेंसर में रेजोल्यूशन, सेंसर तो मैंने आपको बता दिया है, एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है आपका पैसिव सेंसर, ठीक है? अब आपका रेजोल्यूशन होता है. रेजोल्यूशन का मतलब होता है रीसोल्विंग पावर. रीसोल्विंग मतलब बेटे, जो हम सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है? तो ये सैटेलाइट इस ग्राउंड पे कितनी चीजों को डिफरेंशिएट कर पा रही है, कितना विजिबल डाटा हमें दिखा पा रही है, उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन. डाटा कलेक्शन सिस्टम हैज 4 मेजर रेजोल्यूशन. 4 तरीके के मेजर रेजोल्यूशन होते हैं. रेजोल्यूशन का मतलब एक तरीके का होता है आपका क्लैरिटी, और दूसरा आप बोल सकते हो डिफरेंशिएट चीजों के बीच में कितना कर पा रहा है कि ये आपकी रिवर है, ये आपके माउंटेन्स है, ये आपका कोई प्लेटू एरिया है, ये उठा हुआ भाग है, ये आपका समुद्र है. तो ये कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहा है, कितनी क्लैरिटी हमें दे पा रहा है. आपके रेजोल्यूशन 4 तरीके के होते हैं. स्पाशियल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन. तो सब अगर जो रेजोल्यूशन होता है और रिजोल्विंग पावर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम और अदर सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल्स दैट आर स्पाशली नियर स्पेक्ट्रली सिमिलर. तो ये कहते हैं आपका रेजोल्यूशन सिंपल सी वो आपका एक ऑप्टिकल सिस्टम या आपका वो सेंसर होता है जो दो सेम चीजों के बीच में कितना डिफरेंशिएट कर पा रहा है, कितना उसको क्या कर पा रहा है, कितना डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ठीक है? अब इसमें आपका सबसे पहले है स्पाशियल रेजोल्यूशन, ठीक है?
जो आपको बेटे स्पाशल रेजोल्यूशन पता हो क्या होता है, सबसे पहले तो ये IFOV इंस्टेंटियस फील्ड ऑफ व्यू। इंस्टेंटियस फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये आपकी सैटेलाइट है ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। तो आपकी सैटेलाइट इस पॉइंट पे है तो इस वाले इतने पार्ट को कवर कर रही है, तो इसको बोला जाता है आपका इंस्टेंटियस फील्ड ऑफ व्यू ठीक है। जो क्या डिटरमाइन करता है, एरिया ऑन अर्थ सरफेस, ये सिर्फ इस एरिया को क्या कर रहा है, अभी डिटरमाइन कर रहा है। अब स्पाशल रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पाशल रेजोल्यूशन होता है, स्पाशल रेजोल्यूशन रेफर टू सेंसर, रेफर टू द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर दैट कैन बी डिटेक्टेड। स्पाशल रेजोल्यूशन की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक छोटे से छोटा जो आपका फीचर होता है ना, उसको भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ है और इस पेड़ के साथ कोई गली है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई टेम्पल है। तो हर छोटी से छोटी जो चीज है ये क्या कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है ठीक है। इसको बोला जाता है आपका स्पाशियल रेजोल्यूशन। अच्छा, दिस एरिया ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन सेल, एंड ये आपका स्पाशल रेजोल्यूशन मैंने बता दिया। ये कहते हैं जो इंस्टेंटियस फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आपका IFOV स्मॉलर होगा यानी कि लोअर लेटिट्यूड पे होगा एंड इंक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड। अच्छा, ये बोला गया है अगर आपका सेटेलाइट यहाँ पे है तो IFOV बेटे क्या होगा, आपका छोटा होगा, सिर्फ इतने एरिया को डिटेक्ट कर पाएगा। वही सेटेलाइट यहाँ पे लगी होगी तो ये इतने सारे आपके एरिया को क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। आप देखो जो स्पाशियल रेजोल्यूशन है, ये पूछा गया एग्जाम में लैंडसैट 1, 2 एंड 3 में आपके मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लगे हुए हैं ठीक है। और ये याद रखना इनका कितना है स्पाशल रेजोल्यूशन, लैंड सेट 1 का 2 का, तो वो है बेटा आपका 79 मीटर ठीक है। अब आपका जो ये FOV है और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, ये दोनों डिफरेंट है। जो FOV होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो होता है टोटल व्यू एंगल ऑफ द कैमरा, यानी कि ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट में ये कैमरा है जो पूरा का पूरा कैमरा देख रहा है, उसको बोला जाता है आपका फील्ड ऑफ व्यू ठीक है। अब आपका इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, डिफाइन द व्यूइंग एंगल ऑफ ए सेंसर डिटेक्टर विच डिफाइन द एरिया ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाई अ पिक्सल इन द इमेज। बेटे ये जो आपका होता है ना इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, वो एरिया होता है आपकी पिक्सल पे, आपकी इमेज पे, जो किसी एक स्पेसिफिक पिक्सल को डिटरमाइन करता है। आपका जो स्पाशियल रेजोल्यूशन है ये क्या है, ये जो ग्राउंड डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस आपका उसमें भी कैपेबल है कि ये ग्राउंड डिस्टेंस को भी कर सके। ये देखो बेटे ये होता है आपका लो स्पाशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे स्पाशल रेजोल्यूशन क्या है, लो है ठीक है। अगर आपकी सैटेलाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होगी तो आपका रेजोल्यूशन ऐसे होगा, मीडियम लेवल की ऊंचाई होगी तो रेजोल्यूशन ऐसे होगा, और बिल्कुल नीचे होगी सैटेलाइट तो रेजोल्यूशन ऐसे होगा। अच्छा मुझे आप खुद देख के बताओ, आपका स्पाशियल रेजोल्यूशन होता है कि हम दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कितना कर पा रहे हैं, ये लो स्पाशियल रेजोल्यूशन है। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कहाँ पे, क्या है आपको, एक धुंधली तस्वीर दिख रही है, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसमें भी मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे कोई ऐसे रास्ता जा रहा है, यहाँ पे भी ये रास्ता ही है ठीक है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जब मैंने ये पास से देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पे ये एक चौक है, इस चौक से एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और ये जो रेड रेड से दिख रहे थे ये क्या थी मेरी सेटलमेंट, और एक ग्रीन से क्या था, ये था हम मेरा ग्राउंड ठीक है। अब आपका बेटे होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रेफर टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड, यानी कि बेटे आपके 256 बैंड होते हैं। तो आपका जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है ना, वो ये दिखाता है कि आपके कितने कलर यानी कि कितने बैंड को जो रेजोल्यूशन है वो डिटेक्ट कर पा रहा है। इंडिविजुअल बैंड विद द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और
जो आपका रेजोल्यूशन है उस स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन से हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके सारे के सारे बैंड को कवर करते हैं। अगर आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हाई होगा, हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज अचीव्ड बाय नैरो बैंड विथ विच कलेक्टिवली आर लाइक टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट। अगर आपको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो आपको जो बैंड विथ है वो छोटी लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक एक्यूरेट जो है पिक्चर प्रोवाइड होगी। ये देखो, ये होता है आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। अब आपका होता है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अच्छा, ये रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या होता है, इज डिफाइन एज सेंसिटिविटी ऑफ ए रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ एज इट रिकॉर्ड रेडिएशन फ्लक्स डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम द टेरेन। अच्छा, ये आपका जो अर्थ है, अर्थ से जो भी आपका सन की एनर्जी वो रिफ्लेक्ट होगी और एमिट हो रही है, इसको ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। द नंबर ऑफ रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन आप टू एज इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अच्छा ये बाइनरी नंबर में आपका एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे, टू आवर टू ऐसे 4, 8, 6, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये देखो, ये होता है 1 बिट 2 बिट 3, ये बिट में होता है याद रखना, 8 बिट 16 बिट 32 बिट 48 बिट 64 बिट, ऐसे। अब आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब होता है रीविजिट टाइम। अब रीविजिट टाइम का मतलब क्या है बेटे, कि आपका जो सैटेलाइट है, अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पे आज यहाँ पे 2 बजे है तो दोबारा इस पॉइंट में, यानी कि दोबारा इस पॉइंट पे आने में कितना समय लेता है, ये होता है रीविजिट टाइम। द टेम्पोरल रेजोल्यूशन ऑफ अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम रेफर टू हाउ ऑफन इट रिकॉर्ड इमेजरी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, विच मीन्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि कितनी देर में वो एक जो चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है और पूरे जो एरिया उसको कवर करता है। जैसे IRS-1 एक सेंसर जो उसमें वो 22 डे में अपना जो है चक्कर पूरा करता है, ठीक है। लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो कवरेज है वो बार बार नहीं हो पा रही है, यानी कि इनफ्रीक्वेंट कवरेज है। वही हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब है कि कवरेज जो रिपीटेशन है, ये सैटेलाइट बार बार चारों तरफ से क्या है, रिपीट हो रहा है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ऐसे ही आपकी IRS-D सैटेलाइट है, उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन 24 डे का है, ठीक है। ये देखो आपका, याद रखना, टेम्पोरल रेजोल्यूशन का की वर्ड है आपका रीविजिट टाइम। रिविजिट टाइम का मतलब कि आपकी सैटेलाइट अगर इस पॉइंट पे है तो दोबारा इस पॉइंट में आने में, घूम के आने में कितना समय ले रही है, उसको बोला जाता है रिविजिट टाइम, ठीक है। अब आपके यहाँ दो सेंसर और होते हैं, एक होता है एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग और एक होता है अलोंग ट्रैक स्कैनिंग। यानी कि एक्रोस ट्रैक स्कैनर को बेटे बोलते हैं आपका विश्क ब्रूम स्कैनर, और ये देखो ये होता है विश्क ब्रूम स्कैनर, और एक होता है अलोंग ट्रैक स्कैनर जिसको हम पुश ब्रूम स्कैनर भी बोलते हैं। एक्रोस ट्रैक स्कैनर को क्या बोलते हैं, विश्क ब्रूम, ठीक है। एक मिनट, क्या बोलते हैं, विश्क ब्रूम एक्रोस को। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये कैसे कवर करता है, ये होता है, ये क्या लगा हुआ है, ये डिटेक्टर है, ये देखो ये इंस्टेंटियस फील्ड ऑफ व्यू जितने एरिया को कवर कर रहा है इसको बोला जाता है IFOV। ये मोटर है, ये मिरर लगा हुआ है इसमें, याद रखना इसमें क्या है, मिरर है, ठीक है। ये डायरेक्शन देखो, ऐसे आपके ग्राउंड को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ग्राउंड को। अच्छा, क्या कहते हैं, द लाइन्स आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंसर प्लेटफॉर्म। अच्छा, कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ईच लाइन इज स्कैनर फ्रॉम वन साइड टू स्वाथ ऑफ द अदर, और हर लाइन का क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है एक साइड से दूसरी साइड पे, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना है, एक रोटेटिंग और ऑस्किलेटिंग मिरर होता है, ठीक है। बस कुल मिला के बेटे ये भी क्या करते हैं, ये आपका काम करते हैं
डेटा को कलेक्ट करने का ही काम करते हैं, ये भी आपके स्कैनर ही होते हैं। यहाँ पे जो आपका जैसे एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर थे ना, कि आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये भी एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और आपका देखो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर थीमेटिक मैपर, ये लैंड सेट में आपके लगे हुए हैं, ये है आपका। आपको अच्छा इनमें स्कैनिंग मिरर नहीं होता, लाइन अरे डिटेक्टर होता है। जो पुश ब्रूम स्कैनर होता है वो सीसीडी चार्ज कपल डिवाइसेस को एज ए डिटेक्टर यूज करता है। इसमें रिलायबिलिटी यानी कि ट्रस्टवर्दी होता है, लंबे समय तक ये चलता है, ठीक है। फर्स्ट पुश ब्रूम स्कैनर कौन सा था, ये MEIS मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग स्कैनर, जो कि कनाडा के CCR में क्या किया था, जनरेट किया था। और जो जर्मन एरोस्पेस रिसर्च है उसने एस्टेब्लिश किया था सबसे पहली बार पुश ब्रूम स्कैनर को। याद रखना जर्मन एरोस्पेस में द फर्स्ट यूज ऑफ CCD, और फर्स्ट यूज CCD का किसने किया था, आपके स्पोर्ट वन आपकी फ्रांस की सैटेलाइट है, 1986 में लॉन्च हुई थी, उसमें ये एलोन ट्रैक स्कैनर यूज हुआ था। और इंडिया की जो है IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू सपोर्ट नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, किसमें, एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट्री इकोलॉजी जियोलॉजी वाटर मैनेजमेंट कोस्टल मैनेजमेंट, इन सब में सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। एग्जाम्पल आपका LIS 1 2 3 4, पेनक्रोमेटिक, ये पेन की फुल फॉर्म याद रखना पेनक्रोमेटिक, और वाइप्स की यानी के वाइड फील्ड सेंसर, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। अब आपकी जो रिमोट सेंसिंग है ना, रिमोट सेंसिंग की क्या है हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग आपकी तीन सेक्शन में है। अर्ली एज यानी कि 1839 से 1907, मिडल एज यानी कि 1908 से 1945, मॉडर्न एज यानी कि से 1946, यानी कि रिमोट सेंसिंग में कैसे कैसे क्या हुई आपकी डेवलपमेंट हुई है। जो मॉडर्न एज आपकी है 1946 से, अब कहते हैं रिमोट सेंसिंग अबाउट द एटमोसफेयर ओरिजिनेटेड अर्ली इन द स्पेस। बाय 1946 सम V2 रॉकेट्स आपके 1946 के आस कुछ आपके V2 रॉकेट एक्वायर किए गए थे जर्मनी से World War II के बाद, और लॉन्च बाय US आर्मी, जो कि US आर्मी ने लॉन्च किए थे, ठीक है। दीज वर रेफर टू द वीकिंग प्रोग्राम, ये टू वी का मतलब क्या है, वीकिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सोवियत संघ ने आप यूनियन ने सरप्राइज किया वर्ल्ड को, उन्होंने है ना एक सैटेलाइट लॉन्च की, वेरी इंपॉर्टेंट स्पूतनिक, वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी थी वो किसने की थी, सोवियत यूनियन ने, कब करी थी, 1957 में, याद रखना। अब ये आपकी एग्जाम में आई हुई है टायरोस, यानी कि आपका द टेलीविजन एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टायरोस, ये आपकी 1 अप्रैल 1960 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट वेदर सैटेलाइट है याद रखना, ये आपकी USA ने लॉन्च की थी। और जो टायरोस है कैरिड स्पेशल टेलीविजन कैमरास, इसमें आपके स्पेशल टेलीविजन कैमरा लगे हुए हैं जिससे हम अर्थ को देख सकते हैं, ठीक है। बाय 1965 और 1965 तक 9 more टायरोस यानी कि टायरोस की ही 9 और सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई थी, ठीक है। और कुछ वो पोलर ऑर्बिट में सेट की गई थी ज्यादा से ज्यादा कवरेज को लेने के लिए, और कुछ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद बेटे आपका फर्स्ट मल्टी, इसमें से आपको ना पॉइंट निकालने हैं, अगर आप ये बोलो कि मैम आप अपने नोट सेंड कर दो उससे पॉइंट निकाल देंगे, तो मैं वो भी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वो रिमोट सेंसिंग के वहां से आप क्या है नोट्स निकाल लेना, नोट्स देख लेना कैसे याद करना है। फर्स्ट मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी फ्रॉम स्पेस टुक प्लेस ड्यूरिंग 1968,
पहली जो बेटे फोटोग्राफी की गई थी ना स्पेस में, वो 1968 में की गई थी अपोलो 9 मिशन से, ठीक है। 1967 में नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एनकरेज किया यूएस के डिपार्टमेंट को कि जो इंटीरियर है अर्थ का, उसके लिए भी उन्होंने इनिशिएट किया द अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। अब ये याद रखना, ये ERTS जो है ना, ये लैंड सेट का पुराना नाम है, याद रखना, ERTS, अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। एज ए रिजल्ट ERTS-1 और लैंड सेट 1 वाज लॉन्च्ड ऑन 23 जुलाई 1972 में लॉन्च हुई, जिसमें एंड कैरिड द, और उनमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लगे थे जो कि अर्थ को 900 किलोमीटर की ऊंचाई से ग्रीन, रेड और दो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड और 80 मीटर का स्पाशल रेजोल्यूशन। याद रखना, लैंड सेट का स्पाशल रेजोल्यूशन क्या, ये आपको याद रखना है, 80 मीटर है। और इसको ओरिजिनली क्या बोला जाता है, ओरिजिनली तो इसका नाम था ERTS, अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, बट इसका नेम रीनेम कर दिया लैंड सेट 1 में, ठीक है। लैंड सेट 1 क्या आपकी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसमें 3 कैमरा है, बस आपको ये याद नहीं रखना है। आपको देखो, आपको क्या याद रखना है, एक तो बेटे इनका एल्टीट्यूड याद रखना है, इनका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन याद रखना है, इनका तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? मैंने है ना एक पेज पे अलग से लिख रखा है सैटेलाइट का सारा, जो मेरा मेरे पास एक्स्ट्रा है। गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग अजय। बहुत कम समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आया अजय, पूछो मुझसे। आपको ये ना सारा करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेजूंगी आपको ग्रुप में, बस वही याद कर लेना रिमोट सेंसिंग के, ठीक है, उन्हीं से नोट्स बना लेना। आपको बेटे इसमें क्या करना है, आपको इसमें स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, सैटेलाइट, सैटेलाइट कब लॉन्च हुई, सैटेलाइट का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन और स्वात, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ मैं सेंड कर दूंगी अजय ग्रुप में एक बार, मैं अगर आप 2 मिनट वेट करो ना, मैं साथ साथ ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। वो नोट्स खोल के बैठ जाओ, बस वही पढ़ लेना, उसके सिवा, और आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिर मेन मेन लिख लेना, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी में बना रखे हैं। अगर आप उसको फोन से करना चाहो तो फोन से कर लो, अगर आप उसका प्रिंटआउट निकलवाना चाहो तो प्रिंटआउट निकलवा लो, क्योंकि मैंने ना पूरा पेपर का एनालिसिस करके कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया है, मैंने वो लिख भी रखे हैं वहां पे, तो आप उससे समझ जाओगे। लेकिन मैं 2 मिनट वेट करो आप सब, ठीक है, मैं अभी कॉपी लेके आती हूँ।
चलो मैं अभी ज़्यादा वेट नहीं करवाया आपको मैंने। सैटेलाइट का मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है? एक बार ग्रुप में चेक करो, सभी व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना उसमें चेक करना, और वही आपको बेटा याद करना है। एक बार ना ग्रुप खोल लो साथ के साथ बेटा, मैं ना आपको समझा दूंगी कि क्या याद करना है उसमें से, और ये आपको रटना पड़ेगा, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छा कुछ मेरे पास है ना वो आपका जैसे अर्गोग्राफ है, क्लाइमोग्राफ है, ये किसने दिया है ये भी मैं ना आपको नोट सेंड कर दूंगी, उसमें याद कर लेना कि अर्गोग्राफ किसने दिया है, क्लाइमोग्राफ किसने दिया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अब एक बार ये इमेज खोल लो, मैं समझा रही हूँ आपको कि आपको क्या याद करना है इसमें से, ठीक है? और कुछ नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना। एक खाली पेज ले लेते हैं। देखो ये वाला पेज जो मैंने आपको भेज रखा है ना, मैं उसको सेलेक्ट भी कर रही हूँ, सेलेक्ट करके आपको कर रही हूँ। इसमें मैं बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अगर किसी को आपको क्लियर नहीं हो रहा ना याद कैसे करना है तो वो भी बता रही हूँ। ये आपका सबसे पहले वाला पेज है, ये आपका, इसमें आपकी है ना जो सबसे पहली सैटेलाइट है उसका नाम है आपका TRMM, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन, ये आपकी है सैटेलाइट, ठीक है? अब कहाँ की है ये याद रखो, ये है आपकी जापान, जापान का जो स्पेस सेटेल स्पेस एजेंसी उसका नाम है आपका जक्सा,
और बेटे ये जॉइंट मिशन है जापान का, जाक्सा का और नासा, नासा का है यूएसए, ठीक है। ये बता दिया कंट्री कौन सी है। अब इसका एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे इसको सेट किया गया है, 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर थर्ड ये आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि कब लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है 1997 में, ठीक है, 27 नवंबर 1997 को ये लॉन्च हुई है। कहाँ से लॉन्च हुई है, फ्रॉम जापान, फ्रॉम जापान टांगेर शीमा, टांगेर शीमा, ओके। अच्छा ऑपरेटेड कितने दिन तक चली है, ऑपरेटेड फॉर 17 डेज, 17 ईयर्स, नॉट डेज, 17 साल तक चली है। कब डिस्कनेक्ट हो गई यानी कि कब इसने काम करना बंद कर दिया, 2015 में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ वो नीचे लिखा हुआ आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन किस कितना है इसका, 4.3 किलोमीटर इसका रेजोल्यूशन है, रेडियोमीट्रिक रेजोल्यूशन कौन सा है, और ये भी रेडियोमीट्रिक रेजोल्यूशन। उसके बाद आपका स्वाथ लिख रखा है, स्वाथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई है इसकी 220 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसको स्टडी करती है, किसके लिए था, ये जो आपकी ट्रॉपिकल रेनफॉल है ना, यानी कि आपके जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में जो रेनफॉल होती है उसको मॉनिटर करती है ये आपकी TRMM। 1997 में लॉन्च हुई है जापान का, और किसका जॉइंट मिशन है, जापान का और यूएसए का जॉइंट मिशन है, 350 एल्टीट्यूड पर सेट करी गई है, ठीक है, इसका ये याद रखना है। उसके बाद आपकी अगली जो है ना सेकंड, वो बेटे आपका लिख रखा है मैंने टाइरोज, टाइरोज 1, या इसको टाइरोज ए बी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ऊपर मैंने लिख रखी है, वो लिख रखी है टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये लिख रखा है मैंने, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म है टाइरोज की, पूछ सकते हैं, ये पूछी गई है आपसे, ये पूछा गया है कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली सैटेलाइट कौन से, तो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पहले सैटेलाइट है वो यही है आपकी टाइरोज है। अच्छा ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करी गई थी, इसको प्लेस किया गया था लो अर्थ, और यानी कि ज्यादा ऊंचाई पर इसको प्लेस नहीं किया। आपसे पूछा गया जाए अगर कि फर्स्ट वेदर सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड की कौन सी है, तो फर्स्ट वेदर सैटेलाइट आपकी है टाइरोज, ठीक है, कौन सी है आपकी, फर्स्ट वेदर सैटेलाइट टाइरोज। उसके बाद लिखा हुआ है ये है ना किस लिए बनाई गई है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि जो आपके ये रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, इन सब की जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आज का दिन का टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी हो सकती है, ह्यूमिडिटी, ये सब, ओके। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉन्च कब की गई। देखो ये लॉन्च की गई 1 अप्रैल 1960 को ये लॉन्च करी गई। ये आगे मैंने टाइम लिख रखा है, इसको एट ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशनल पीरियड यानी कि कितने दिन तक चली है, ऑपरेशनल पीरियड है इसका 78 डेज, ठीक है, यानी कि ये 15 जून 1960 को इसने काम करना बंद कर दिया था। और ये नासा की क्या है, नासा की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, टू डिटरमाइन सैटेलाइट, टू डिटरमाइन सैटेलाइट कुड बी यूजफुल इन। अच्छा ये क्या लिख रहा है ना, ये बेटे ये लाइन मैंने ये लिख रखी है कि ये नासा की फर्स्ट वेदर सैटेलाइट थी, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, और इस सैटेलाइट से ये देखा गया था कि जो आपकी सैटेलाइट है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में यूजफुल है या नहीं, स्टडी में यूजफुल है या नहीं, ये है आपका टाइरोज, ये आपको टाइरोज में लर्न करना है।
अब उसके बाद आपकी इसी पेज पे जो लास्ट में थर्ड सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम है मोडीज, मोदी से याद रख लो मोडीज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियो मीटर, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए यूज करी गई थी? ये यूज करी गई है फॉर अर्थ, अर्थ के लिए, एंड अर्थ और क्लाइमेट को मेजर करने के लिए, अर्थ और क्लाइमेट के मेजरमेंट के लिए। कब, किसने लॉन्च की, याद रखना, ये भी लॉन्च की आपने आपके नासा ने, ठीक है, ठीक है, यानी कि यूएसए की है ये भी। कब लॉन्च हुई? ईयर है बेटे लॉन्च होने का 1999, 18 दिसंबर 1999 में ये लॉन्च हुई, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पे मैंने ये जो 2002 लिख रखा है ना, एक्वा, ये इसका एक टाइप है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें है ना एक क्या लगा हुआ है, VIIRS सेंसर लगा हुआ है। ये कब लगाया? ये 2011 में लगाया था। ये VIIRS का या मैंने लिख रखा है, क्या फुल फॉर्म होती है? विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर। क्या है ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं? विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर। अब बेटे इसका ऑर्बिट याद रखना, ये कैसे ऑर्बिट ऑर्बिट है इसका? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने इसमें लिख रखा है आपका कि ऑर्बिट बता दिया, सन सिंक्रोनस है। स्वाथ कितना है? स्वाथ आपको याद होना चाहिए, 2330 किलोमीटर इसका स्वाथ है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन कितना है? 1 से 2 दिन, ये इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। नीचे आपका क्या लिख रखा है? स्पाशियल रेजोल्यूशन लिख रखा है। स्पाशियल रेजोल्यूशन कितना है? देखो इसके कितने बैंड है? 7 बैंड है, तो बैंड 1 2 के लिए स्पाशियल रेजोल्यूशन है 250 मीटर, ठीक है। और आपका बैंड 3 से 7 के लिए जो आपका स्पाशियल रेजोल्यूशन है वो है 1000, वो है 500 मीटर बैंड 3 7 के लिए। और बैंड 8 से 36 के लिए कितना है आपका? 1000 मीटर। याद रखना, बैंड 1 2 के लिए 250 मीटर, 3 से 7 बैंड के लिए 500 मीटर, और बैंड 8 से 36 के लिए 1000 मीटर, ये इसका स्पाशियल रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये पेज कंप्लीट होता है। अब सेकंड पेज पे आ जाओ। सेकंड पेज ठीक है, अच्छा अब आ गया आपकी जो सैटेलाइट है ना बेटे, अब आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट करवाने वाली हूँ मैं। आप है ना ऊपर वाला मत देखना, ये नीचे वाला देखना जहां पे मैंने लिख रखा है लैंड सेट। लैंड सेट का और क्या नाम है? ERTS, पुराना नाम, जिसको बोला जाता है अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। कब लॉन्च हुई थी बेटा ये? 1972 में। अब एक बात याद रखो, लैंड सेट के टोटल कितने हैं? 5 पार्ट हैं। लैंड सेट 1 लॉन्च हो चुका है, 2 लॉन्च हो चुका है, 3 लॉन्च हो चुका है, 4 लॉन्च हो चुका है, 5 हो चुका है। तो आपका लैंड सेट 1 2 3 4 5 और आपका लैंड सेट 4 और 5। तो आपका लैंड सेट बेटे 4 5 में क्या है? मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर लगे हुए हैं, ठीक है। और लैंड सेट 4 5 में आपका क्या है? थीमेटिक मैप लगे हुए हैं, थीमेटिक मैपर लगा हुआ है। आप क्या कर लो, यहाँ पे 1 2 3 लिख लो, यहाँ पे 4 5 लिख लो, ये बीच में लाइन लगा रखी है। यहाँ पे आप लिखो स्वाथ, लैंड सेट 1 2 3 का स्वाथ है 185 किलोमीटर, और 4 5 का भी स्वाथ है 185 किलोमीटर।
आईएफओवी लैंड सेट का कितना है? 79 × 79 मीटर, 4 to 7 बैंड में इनका, ठीक है। इनका आईएफओवी कितना है? 30 मीटर × 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल रेजोल्यूशन कितना है लैंड सेट 1, 2, 3 का? 18 दिन का है, और ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। और इनका टेम्पोरल रेजोल्यूशन है 4, 5 का है, 16 दिन का। और इनकी जो हाइट है, हाइट कितनी है? 1919 किलोमीटर, और इनकी हाइट कितनी है? 705 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका लैंड सेट है। लैंड सेट के बारे में जो भी एग्जाम में आता है वो मैंने आपको बता दिया है। लैंड सेट कब लॉन्च हुआ, किसका है लैंड सेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। लैंड सेट किसका है आपको अब बताया था ना मैंने आपको, और जब मैंने आपको ये करवाया था ना, एक क्लास पहले ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कौन सी सैटेलाइट सन सिंक्रोनस है, कौन सी सैटेलाइट का ऑर्बिट जियो स्टेशनरी है। तो ये जो आपकी लैंड सेट है ये कैसी है? सन सिंक्रोनस है, ठीक है। और कब लॉन्च हुई है? 1972 में। किसकी है ये, कौन से देश की है? यूएसए की है, ठीक है। ये हो गया आपका लैंड सेट का। अब इसी पेज पे ना नीचे आपको इंडिया का दे रखा है IRS, A, B, C and D, ठीक है। तो यहां पे लिख रखा है बेटे आपकी IRS 1A 1B, ठीक है। और यहां पे आपका लिखा हुआ है IRS 1C 1D। ये IRS 1A 1B में क्या लगे हुए हैं बेटे? आपके LIS 1 और LIS 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपका क्या लगा हुआ है? LIS 3 और पेन लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये देखो ये कौन सा स्कैनर है, ये भी पुश ब्रूम स्कैनर है, इसमें भी, इन दोनों में भी, और इसमें भी कौन सा है? पुश ब्रूम स्कैनर है। अच्छा, अब इनका स्वात कितना है देखो, जो इसमें LIS 1 का है 148 किलोमीटर, और LIS 2 का है इसमें 146 किलोमीटर। इसका रीविजिट टाइम यानी कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन है 22 दिन का इक्वेटर पे, और एल्टीट्यूड कितनी है इसका? 904 किलोमीटर। वही आपका यहाँ पे इसमें LIS 3 लगा हुआ है, तो LIS 3 का जो है वो है बेटे आपका 142 किलोमीटर। क्या है स्वाथ? और पेन का स्वाथ कितना है? 70 किलोमीटर। और ये इसका LIS 3 का रीविजिट टाइम कितना है? 24 दिन का। और ये कितनी ऊंचाई पे है? 817 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये बातें आपको याद रखनी है। आपको इनका क्या, ये स्कैनर का टाइप है, इसमें रीविजिट टाइम आपको याद रखना है, इनका स्वाथ याद रखना है, एल्टीट्यूड याद रखना है, ठीक है। अब आपका देखो ये, अब आपका ना नेक्स्ट पेज पे बेटे एक लिख रखा है मैंने ओशियन सेट। ओशियन सेट किसको बोलते हैं? OCM, जो आपका IRSP4 है, IRSP4 को बोला जाता है, उसका नेम है ओशियन सेट, ठीक है। अब इसका स्पाशियल रेजोल्यूशन कितना एग्जाम में पूछा गया है? 360 मीटर। इसका स्वाथ कितना है? इसका स्वाथ है आपका 1420 किलोमीटर। इसका रीविजिट टाइम कितना है? 2 डेज का, ठीक है। इसका ऑर्बिट कौन सा है IRSP4 का? सन सिंक्रोनस इसका ऑर्बिट है। एल्टीट्यूड कितना है यानी कि कितनी ऊंचाई पर है? ये 720 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब इसी के नीचे लिखा हुआ है IRSP6। अब P6 को बेटे क्या बोला जाता है? रिसोर्स सैटेलाइट। क्या बोला जाता है? रिसोर्स सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रिसोर्स सैटेलाइट, इसको ये बोला जाता है। सबसे पहले तो ये कब लॉन्च हुई? लॉन्च हुई है ये 2003 में। इसका स्वात कितना है? इसका स्वात है 70 किलोमीटर, ठीक है। और इसका रीविजिट टाइम कितना है? 24 दिन का है, 24 डेज का इसका रीविजिट टाइम है। एल्टीट्यूड कितना है इसका? 817 मीटर, 817 इसका क्या है किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है,
ठीक है, और इसमें LIS4, LIS3 और एविप्स लगे हुए हैं, ये मैंने लिख रखा है कॉपी में। IRS P4 हो गया, P4 को ओशियन सेट बोलते हैं। अब एक है आपका IRS P5, IRS P5 को बोलते हैं कार्टोसेट, कार्टोसेट बोलते हैं। ये इंडिया के ही है, IRS सीरीज इंडिया के हैं ये, ठीक है। अब इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है बेटे वो है 2.5 मीटर। स्वात कितना है इसका? स्वात है 30 किलोमीटर। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कितना है इसका? 10 बिट। रीविजिट टाइम इसका कितना है? 5 डे का, 5 दिन का इसका रीविजिट टाइम है। एल्टीट्यूड कितना है इसका? 1618 किलोमीटर है। और ये तीनों कौन सी कंट्री की है? IRS आपकी इंडिया की है। और कौन सी सीरीज है आपकी? सन सिंक्रोनस सीरीज में है ये, ठीक है। आ गया समझ में? अब IRS हो गई, लैंड सेट हो गई, टायरोज हो गई, टायरोज के बाद आपकी कौन सी हो गई? आपकी मोडीज हो गई, TRMM हो गई, ठीक है। अब एक है आपकी नोआ, नोआ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहाँ की है बेटे? ये अमेरिका की है, यूएसए की ही है ये। इसका बस याद रखना है इसका स्वात कितना है। स्वात है इसका 1800 किलोमीटर। स्पेशियल रेजोल्यूशन है इसका 1.1 किलोमीटर, ये मैंने इसको ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड है 833 या 870 दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। उसके नीचे ना ये क्या दे रखा है, ये किस लिए यूज होती है? ये बेटे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, समुद्र को मॉनिटर करने के लिए, ये मैंने लिख रखा है किस लिए यूज होती है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बता रखी है कि अब तक इसकी जो 4 सीरीज है बेटे, 4 सीरीज लॉन्च हो चुकी है आपकी, किसकी? नोआ की, 1807 में, 1870 में, 1871 में और 1917 में, ठीक है। अब आपके लिए जो नेक्स्ट सैटेलाइट है वो है ये स्पोर्ट। स्पोर्ट सैटेलाइट कहाँ की है? फ्रांस की है, ठीक है। अब इस स्पोर्ट के भी कितने हैं देखो, स्पोर्ट 1, 2, 3, स्पोर्ट 4, स्पोर्ट 4 एंड 5। अच्छा, स्पोर्ट 1, 2, 3 में आपका HRV मतलब ऊपर लिख रखा है फुल फॉर्म, हाई रेजोल्यूशन विजिबल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। आपके स्पोर्ट 4 में क्या लगा हुआ है? HRVIR यानी कि हाई रेजोल्यूशन विजिबल इंफ्रारेड इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो तीनों में कौन से स्कैनर है? पुश ब्रूम, इसमें भी पुश ब्रूम, फोर्थ में भी, और फोर्थ फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में भी क्या है? पुश ब्रूम है। अब स्वात देख लेते हैं, स्वात 1, 2, 3 का कितना है? 60 किलोमीटर या फिर आप बोलते हो 50.5 डिग्री। इसका जो स्वात है वो भी कितना है? 60 किलोमीटर या फिर 27 डिग्री। इसका है आपका बेटे 2250 किलोमीटर या फिर 50.5 डिग्री। अब इसका ऑर्बिट क्या है? 800 यानी कि ऊंचाई 832 किलोमीटर पे, ये भी 832 किलोमीटर पे, ऊंचाई तीन पांचों की सेम है 832 किलोमीटर पे। रीविजिट टाइम यानी कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन है इनका 26 डे का, इसका 3 डे का है और इसका 1 डे का है, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट है। अब नीचे मैंने ये लिख रखा है कि आपकी स्पोर्ट 1986 में लॉन्च हुई है, स्पोर्ट 2 1990 में लॉन्च हुई है, स्पोर्ट 3 1993 में, स्पोर्ट 4 1998 में, स्पोर्ट 5 2002 में और अब स्पोर्ट 6 2014 में लॉन्च हुई है, ठीक है। अब आपकी दो सैटेलाइट और हैं, एक सैटेलाइट है आपकी इकोनोस। इकोनोस कहाँ की, किसकी सैटेलाइट है? यूएसए की सैटेलाइट है। कैसा है? पुश ब्रूम इसमें सेंसर लगा हुआ है। ऑर्बिट कौन सा है?
सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 681 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। रीविजिट टाइम कितना है, 3 दिन से भी क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद इसका स्वाथ कितना है, स्वाथ है इसका 11.3 किलोमीटर। लॉन्च कब हुई है, 24 सितंबर 1999 में ये लॉन्च हुई है, फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट है, ठीक है। अब आपकी एक और सैटेलाइट है, ये इकोनोस तो हो गई, इकोनोस के बाद आपकी एक और सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है क्विक, क्विक बर्ड, 2001 में लॉन्च हुई है, या इसको अर्थ वॉच भी बोला जाता है, डीजी क्विक बर्ड, यूएसए की है बेटे ये भी। ये भी आपकी सन सिंक्रोनस इसका ऑर्बिट है, ठीक है। स्वाथ इसका कितना, ये याद रखना, स्वाथ इसका है 16.5 किलोमीटर। रीविजिट टाइम कितना है, 3 से 7 दिन में एक चक्र पूरा करती है। ऑर्बिट यानी कि एल्टीट्यूड कितना है इसका, 450 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये सैटेलाइट आपको दे रखी है जो आपको याद करनी है। अब कुछ मैंने है ना आपको बीच में एक पेज दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको नोआ तो समझा दी है, अब आपको है ना लिस की फुल फॉर्म लिख के दे रखी है मैंने। लिस की है लीनियर इमेजिंग सेल स्कैनिंग सेंसर, ठीक है। और कुछ मैंने ये दे रखा है कि IRS-1 कब लॉन्च हुई, क्या पर्पस था, ये आप पढ़ लेना। इकोनोज मैंने आपको बता दी है, स्पोर्ट मैंने बता दी है किसकी है ना, डीजी क्विक वर्ड मैंने आपको बता दी है। एक आपकी ये ADEOS यानी कि एडवांस अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट रह गई है जो कि 1996 में लॉन्च हुई थी और 1997 में इसका एंड हो गया था, नासा और जापान का ये जॉइंट मिशन था, ठीक है। बस ये सैटेलाइट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आया समझ में? टायरोस की फुल फॉर्म है अभिषेक, लिख देती हूं मैं यहां पे, टेलीविजन इंफ्रा रेड ऑब्जर्वेशन सेटे लाइट, ये फुल फॉर्म है। और टायरोस आपकी पहली सैटेलाइट है और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है क्या करना, ये मैंने आपको जितने दिए ना, अब उसमें ना एक पेज और रह गया बेटे, आपको मैंने ना एक पेज दे रखा है जिसमें ना सभी सैटेलाइट का स्पाशियल रेजोल्यूशन लिख रखा है। क्या लिख रखा है रुचि? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? टायरोस की फुल फॉर्म क्या है, टायरोस की फुल फॉर्म है टेलीविजन इंफ्रा रेड ऑब्जर्वेशन सेटे लाइट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। अब एक पेज और दे रखा है जिसपे आपको ना सारी सैटेलाइट का क्या लिख रखा है, ये और समझ लो एक बार। सारी सैटेलाइट का बेटे मैंने आपको ना स्पाशियल रेजोल्यूशन दे रखा है। जैसे आपका लैंड सेट है, लैंड सेट में आपका MSS मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लगे हुए हैं, उसका स्पाशियल रेजोल्यूशन है 80.80x80, ठीक है। उसके बाद IRS जिसमें जो जिसमें LIS-1 है, इसका है 72.5x72.5। उसके बाद IRS LIS-2 जिसमें लगे हुए हैं, इसका है 36.25x36.25, ठीक है। लैंड, अब लैंड सेट मल्टी स्पेक्ट्रल का हो गया था, लैंड सेट
टीएम का थीमेटिक मैपर का क्या है, 30.0 × 30.0, ठीक है। उसके बाद आईआरएस लिस्ट 3 का बेटे क्या है, 23.0 × 23.0। उसके बाद आपकी स्पोर्ट है, स्पोर्ट में आपके एचआरवी लगे हुए हैं, एचआरवी वाले में है 20.0 × 20.0। और स्पोर्ट HRV 2, HRV 1 या HRV 2 है, इसमें आपका 10.0 × 10.0, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद आपकी IRS पेन, इसका कितना ये पूछा गया है एग्जाम में, 5.8 × 5.8, ठीक है। उसके बाद आपकी है RBV ऑफ लैंड सेट, लैंड सेट वो लैंड सेट जिसमें RBV लगे हुए हैं, उसकी है 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद पेन, पेन ऑफ इकोनोज, एक है पेन ऑफ IRS और एक है पेन ऑफ इकोनोज सैटेलाइट, इसका है बेटे 0.82 मीटर, ठीक है। और एक ये लिस्ट 3 हो गया, ये यहाँ पे लिस्ट 4 भी है, लिस्ट 4 का मैंने लिख रखा है स्पेशल रेजोल्यूशन 5.8 मीटर, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये याद हो जाएगा, अब ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको बेटे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। अब ये देखो आपकी क्या है आगे, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटे जो कि रिमोट सेंसिंग एक्टिविटी में इंगेज है, द मेन एक्टिविटी जो मेन काम है ना आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का, वो क्या है, सेवर सैटेलाइट एंड एरियल डेटा कैप्चरिंग, सैटेलाइट का और एरियल जो डेटा उसको कैप्चर करता है, उस पे प्रोसेस करता है, डेटा को डिसमिनेशन करता है और उसकी एप्लीकेशन निकालता है, ठीक है। याद रखना आपका क्या काम करता है, ठीक है। एक आपका ये इम्पोर्टेंट है जो मेजर माइलस्टोन है, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन कहाँ पे है, शहाद नगर में हैदराबाद में। ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन मतलब कि जहां पे हमारे सैटेलाइट का डेटा जाता है वो होता है आपका, ठीक है। कुछ आपके जैसे फॉरेन सैटेलाइट है, लैंड सेट, नोवा, ईआरएस ऑफ आईपी, ये आईपी किसका नाम है, आईआरएस देहरादून का पहले नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को पहले आईपीआई जानते थे, ठीक है। ये दूसरा माइलस्टोन है यानी कि दूसरा स्टेशन है नेशनल एजेंसी का। अब ये कुछ आपके व्हीकल हैं जिससे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इनके फुल फॉर्म याद रखना, SLV की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो ये है सेट SLV। उसके बाद है आपका ASLV, ये रहा आपका ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आपका PSLV, ये है आपका PSLV, PSLV यानी के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आपका GSLV यानी के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर GSLV MK3, ठीक है। ये आपके, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, इनकी हेल्प से हम स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, आ गया समझ में। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये एरियल फोटोग्राफी के मैंने टाइप बता रखे हैं, लार्ज स्केल फोटोग्राफ कितना होता है जिसका स्केल इतना होता है, मीडियम स्केल फोटोग्राफ जिनका स्केल इतने से इतना, स्मॉल स्केल फोटोग्राफ जिसका स्केल इतने से इतना, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा और इसमें कुछ भी नहीं है, ओब्लिक एरियल कौन सा होता है, लो कौन सा हाई। देखो आपका जो ओब्लिक होता है ना, ओब्लिक में आपको बिल्कुल, जब आप फोन का कैमरा ऐसे बिल्कुल वर्टिकल नहीं करते हो जिसमें सिर्फ आपको ग्राउंड दिखता है, वो होता है ओब्लिक। उसके बाद आपका लो ओब्लिक कौन सा होता है बेटे, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर देते हो जिसमें आपको थोड़ा सा आसमान भी दिखने लग जाता है। और हाई ओब्लिक कौन सा होता है जिसका देखो डिग्री तो नहीं, जहाँ पे वो फोटो नहीं होती जहाँ पे आपको आसमान और धरती मिलता दिखाई देता है, और वो होती है आपकी हाई ओब्लिक, ठीक है। ये देखो ये आगे मैंने आपके लिए लिख रखा है मोडीज, ठीक है। ये मैंने आपको सारी सैटेलाइट का लिख के दे रखा है, TRMM जो मैंने वहां पे कॉपी में लिख के समझाया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टायरोज 1,
नोवा का लिख रखा है, लैंड सेट स्पाशल एंड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन दे रखा है, मल्टी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ये लैंड सेट 4-5, ये देखो ये मैंने सारा लिख के दे रखा है आपको थीमेटिक मैप पर। और अब ये प्राइमरी एंड ये आपको देखो बेसिक एलिमेंट, ये आपके हाई एलिमेंट कौन से हैं, ये देखो ये आपके हायर एलिमेंट है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आपका PYQ है। प्राइमरी एलिमेंट कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शरी कौन से और हायर कौन से हैं, आपसे ये पूछा गया था हायर एलिमेंट कौन से, तो ये देखो साइट और एसोसिएशन आपके हायर एलिमेंट है। ठीक है, आ गया समझ में, ये कर लोगे आप यहां तक बताओ, कर लोगे ना। अब रिमोट सेंसिंग का आपको इजी लगा क्या याद करना है बताओ मुझे एक बार अच्छे से, रिमोट सेंसिंग का पता लगा कि क्या याद करना है बेटे, कैसे याद करना है। मेरी थोड़ी सी है ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरे को टाइफाइड हो गया है तो उसकी वजह से मैं क्लास कम ले पा रही हूँ है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप पीछे ना रहो। अब देखो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बताओ मुझे समझ में आया आपको यहाँ तक। कल हम एनवायरमेंट की यूनिट शुरू करेंगे, एनवायरमेंट की यूनिट शुरू कर दे, कल दोनों क्लास लेंगे हम, करेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ अब आपका ये सैटेलाइट वाले क्वेश्चन सोल्व करो, यहाँ से सोल्व करोगे हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है आपके। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सी सैटेलाइट किस देश की, कौन से सैटेलाइट है, दूसरा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन पूछा जाता है। ठीक है, यही पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि जो हमने भी बेटे कभी नहीं पढ़े हैं, वो बहुत ज्यादा डीप से दे देते हैं। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन के बेस पे आप पूरा रिमोट सेंसिंग, एक अलग ही आपका एमटेक करी जाती है रिमोट सेंसिंग में, आप वो वाले पोर्शन पे तो नहीं जा सकते हो, जितना पेपर में आज तक रिपीटेड आया है या जितना आ सकता है हमारे सिलेबस, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वो मैंने आपको हर बार बोला कि कुछ एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के बच्चों को घुमाने फिराने के लिए क्या दे देता है, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस दे देता है, जो सिलेबस में नहीं होता है। तो आपको वरी नहीं करना है, जितना आपने कर लिया उतना कर लो, जितना हमारे नोट्स में सफिशियंट है, जितना आपके लिए सफिशियंट है वो ही बहुत है। ठीक है, तो अब कल करते हैं क्लास। ठीक है, पिछली 7 की 7 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके नोट्स भी वेल अपडेटेड है। हो गई है 7 यूनिट तैयार आपकी पुराने वाली? हाँ जी, गुड नाइट अजय, बताओ मुझे पुरानी यूनिट तैयार हो गई है या नहीं हुई आपकी? बताओ जल्दी से, प्रीवियस जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपकी तैयार हो गई है बेटे? मेरे को ये जवाब दे के जाओ पहले, उसके बाद क्लास लीव करना। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ यू मे लीव द क्लास, वी विल मीट टुमारो। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन इज योर क्लास, एंड थैंक यू सो मच बेटे फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।